Good morning, students of class 5th. So, today we are going to start the 15th chapter of EVS, that is, Blow Hot, Blow Cold. So, let's start. There was a woodcutter. Every day in the morning, he used to go to the forest to cut wood. In the evening, he would sell the wood in the city. One day, he went deep into the forest. It was a very cold winter. His fingers were becoming numb. Every now and then the woodcutter would put down his axe and bring his hands क्लोज to his mouth. Then he would blow hard on them to warm them. एक जमाने में एक लकड़हारा था रोज सुबह वो जंगल जंगलों में जाके लकड़ियां काटा करता था और शाम को वो उन्हीं लकड़ियों को शहर में बेच दिया करता था एक दिन वो बहुत गहरे जंगलों में चला गया बहुत ठंड पड़ी हुई थी उसकी उंगलियां सुन पड़ रही थी थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो वुड कटर था वो अपने एक्स को नीचे रखता था और फिर आ, क्या करता था वो अपने हाथों को अपने मुंह में मुंह से फूंक मार के गर्म कर करता था उनको क्योंकि उसके हाथ जो थे वो कभी कभी बिल्कुल ठंडे हो जाते थे तो वो ऐसे ही करता रहता था कि अपने हाथों में फूंक मार के उसको गर्म करता रहता था वाइल ही वॉज कटिंग वुड मियान बलिश्ती वॉज वॉचिंग हिम फ्रॉम अ कॉर्नर मियान बलिश्ती सॉ दैट द वुड कटर कैप गुइंग ऑन इज हैंड्स जब वु वुड कटर वुड काट रहा था तो मियान बलिश्ती जो था वो एक कोने से उस लकड़हारे को देख रहा था ओके ही बिगैन टू वर वॉट ऑल दैट वॉज अबाउट बट ही कुड नॉट अंडरस्टैंड इट ही गॉट अप थिंकिंग दैट ही वुड गो एंड आज द वुड कटर तो वो सोचने लगा कि ये सब क्या है क्या हो रहा है लेकिन वो समझ नहीं पाया तो वो उठा और सोचने लगा कि वो जाएगा वुड कटर के पास और पूछेगा आफ्टर वॉकिंग अ लिटिल ही केम बैक थिंकिंग दैट द वुड कटर मे नॉट लाइक बींग आस्ट फाइनली मियान बलिश्ती कुड नॉट हेल्प हिमसेल्फ ही वेंट हॉपिंग टू द वुड कटर एंड सेड हेलो ब्रदर इफ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क यू समथिंग तो उसके बाद क्या हुआ कि उसने सोचा कि मैं जाऊंगा और पूछूंगा वुड कटर से तो थोड़ा चलने के बाद वो रुक गया और वापस सोचने लगा कि वुड कटर जो है वो शायद ना उसको अच्छा लगे कि मैं उससे पूछूंगा कि ये तुम क्या करे लेकिन फाइनली मियान बलिश्ती जो था वो अपने आप को हेल्प नहीं कर पाया अपने आप को रोक नहीं पाया वो हाफ़्ता हुआ वुड कटर के पास गया और बोलने लगा हेलो ब्रदर ओके इफ़ यू डोंट माइंड अगर तुम्हें बुरा ना लगे uh, तो क्या क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ सींग दिस टाइनी पर्सन द वुड कटर वॉज अमेज एंड अम्यूज बट ही डि हिड हिस् स्माइल एंड सेट ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स आस्क वॉट यू वॉन्ट टू ऑल आई वॉन्ट टू आस्क इज़ वाई डू यू ग्लो फ्राम योर माउथ ऑन टू योर हैंड्स सेट मियान बलिश्ती ओके इतने छोटे इंसान को देख के वुड कटर बहुत हैरान हो गया बट ही हिड हिज स्माइल एंड सेट लेकिन उसने अपनी स्माइल को छुपाया और बोला कि ऑफ कोर्स क्यों नहीं पूछो क्या तुम क्या पूछना चाहते हो uh, तो वो uh, जो मियान बलिष्ते था उसने बोला कि मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो कि अपने हैंड्स को अपने मुंह के पास ला रहे हो और फिर फूंक मार के उनको ऐसे uh, उसमें मतलब फूक क्यों मार रहे हो ओके द वुड कटर रिप्लाई

मियान बलिश्ते नो डिट ओ oh, हो oh, सो so दैट्स इट फिर मियान बलिश्ते जो थे उन्होंने अपनी से सिर हिलाया ओके okay, ऐसे हाँ में हिलाया और क्या बोलने लगे ओ सो दैट्स इट कि ये बात है एंड विद दैट ही मूव्ड ऑफ बट ही स्टेड नियर बाय एंड केप्ट अ क्लोज वॉच ऑन हिम और उसके बाद फिर वो वहाँ से चले गए uh, फिर लेकिन वो uh, थोड़ा पास ही जाके रुक गया और उसको देखने लगा ऐसे दूर से भी सून इट वॉज आफ्टरनून द वुड कटर बिगैन टू थिंक ऑफ लंच जल्द ही दोपहर हो गई थी तो जो वुड कटर था वो लंच के बारे में सोचने लगा मीन्स उसको भूख लग रही थी ही पिकड अब टू स्टोन्स एंड मेड अ चूल्हा ओके ही लिट अ फायर एंड पुट अ स्मॉल हांडी पॉट फिल्ड विद पोटेटोज टू बॉइल the wood was damp so the woodcutter bent down and blew on the fire to help it burn balishti was watching him from a distance are he said to himself there he goes again blowing from his mouth does fire come out of his mouth फिर उसने क्या किया uh, जब जैसे कि लंच का टाइम हो रहा था तो उसको भूख भी लग रही थी तो उसने दो पत्थर उठाए और उनसे चूल्हा बनाया फिर आग जलाई और कुछ आलू को एक हांडी में उबलने के लिए रख दिया ओके okay, लकड़ियाँ थोड़ी सी गीली थी इसलिए लकड़हारा चूल्हे के ऊपर झुक आग में हल्का हल्का फूक मारने लगा ताकि आग फैल फैलता रहे और सारी लकड़ियाँ जल जा, जाना स्टार्ट हो जाए बलिश्ते जो था वो देख रहा था थोड़ी दूर से तो वो अपने आप से बोलने लगा अरे ये फिर से चला गया अपने वो ही कर रहा है ये ब्लोइंग फ्रॉम हिज माउथ अपने मुंह से फूक मार रहा है क्या इसके मुंह से आग भी निकलती है द वकटर वॉज फीलिंग वेरी हंगरी टुक आउट अ पटेटो फ्रॉम द हांडी ही ट्राई टू ईट इट बट दटेटो वॉज टू हॉट ही अगैन बिगेन टू ग्लो ऑन इट फू फू लकड़हारे को बहुत भूख लगी हुई थी जैसे ही उसने पटेटो को हांडी से निकाला, निकाला उसे तुर, उसने तुरंत ही खाने की कोशिश की लेकिन आलू बहुत गर्म था उसने फिर से आलुओं को ठंडा करने के लिए फूक मारना शुरू कर दिया अरे सेट बलिश्ती टू हिमसेल्फ ही इज़ ब्लोइंग अगैन नाउ वॉट इज़ ही गोइंग टू बर्न द पोटैटो आफ्टर ब्लोइंग फ्यू मोर फू फूज ऑन इट द put इट इन हिज माउथ एंड began टू ईट इट अरे अब बलिश्ती ने अपने आप से बोला अरे ये फिर से वो ऐसे ही करने लगा अ, अब क्या अब वो क्या आ, जो आलू है उसको जलाएगा आफ्टर ब्लोइंग अ फ्यू मोर कुछ और को ऐसे ही वो ब्लो करने लगा फूँक मारने लगा और कुछ और पे ऐसे फू फू करके तो वुड कटर जो है पुट इट इन माउथ वो उसको अपने मुँह में uh, ले लेता है पटेटोज़ को और उसको खाना शुरू कर देता है फूक मार के नाउमियान वॉज वेरी सरप्राइज ही जस्ट कुड नॉट स्टॉप हिमसेल्फ एंड ऑफ ही वेंट हॉपिंग टू द वुड कटर हैलो ब्रदर ही सेट इफ़ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन अगैन अब मियां जो था वो बहुत ही सरप्राइज हो गया वो अपने आप को रोक नहीं पाया और हाफ्ता हुआ वुड कटर के पास गया और बोला हेलो ब्रदर उसने बोला कि अगर तुम्हें बुरा ना लगे क्या मैं तुमसे एक और बार क्वेश्चन पूछ सकता हूँ द वुड कटर रिप्लाइड नॉट एट ऑल आस्क वट एवर यू वॉन्ट तो वुड कटर ने रिप्लाई किया कि नहीं नहीं पूछो क्या पूछना है मियान बलिश्ती सेड दिस मॉर्निंग यू टोल्ड मी दैट यू ब्लू ऑन योर हैंड्स टू वॉर्म देम अप Now you are blowing on this potato which is already so hot. Why do you want to make it hotter? मियान बलिश्ते जो हैं उन्होंने क्या बोला कि इस सुबह अभी सुबह जो जब थी तो तुमने मुझे बताया था कि तुम अपने हाथों में फूंक मार के उन हाथों को गर्म कर रहे हो और अब तुम इस पोटैटो पे फूंक मार रहे हो जो कि पहले से इतने गर्म है वाई डू यू वॉन्ट टू मेक इट हॉटर तुम इसे और गर्म क्यों करना चाहते हो नो नो माई लिटिल फ्रेंड दिस पोटैटो इज़ टू हॉट ंग ऑन इट टू कूल इट डाउन अब उन्होंने क्या बोला कि नहीं नहीं दोस्त ये पटेटो जो है वो बहुत ज्यादा गर्म है मैं इसमें फूक इसलिए मारा हूँ जिससे ठंडा हो जाए वेन ही हर्ड दिस मियान बलिश्तेस बिकेम वाइट ही बिगैन टू ट्रेम्बल विद फियर एंड स्टार्ट टू बैक अवे जब उसने ये सुना तो मियान बलिश्ते का फेस एकदम वाइट हो गया वो डर के मारे वो उसको इतना डर लगा कि वो पीछे हट गया दुटकट है वॉज अ गुड मैन ही सेट वॉट्स रॉन्ग मियान आर यू ट्रेवलिंग बिकॉज ऑफ द कोल्ड तो जो वुड कटर था जो वो अच्छा आदमी था तो वो क्या बोलने लगा कि क्या हुआ मियान क्या तुम ठंड के मारे तुम्हें डर लग रहा है थोड़ा तुम काँप रहे हो बट मियान बलिश्ती केप्ट गोइंग बैकवर्ड्स वेन ही वॉज अ सेफ डिस्टेंस अवे ही सेट टू हिंसिल वॉट काइंड ऑफ क्रीचर इज दिस श्योरली ही मस्ट बी अ घोस्ट और अ जिन ब्लू हॉट ब्लू कोल्ड विद द सेम ब्रेथ इट इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल लेकिन मियान बलिश्ते जो था वो पीछे होता रहा जब वो थोड़ा सेफ डिस्टेंस पे था उससे थोड़ा दूर था तो उसने अपने आप से बोला कि किस तरह का क्रिएचर है शायद ये एक भूत या जिन है जो कि कभी ब्लो हॉट कभी ब्लो कोल्ड कर रहा है अपने सेम ब्रेथ के साथ सेम सांस के साथ जो कि पॉसिबल ही नहीं है दैट्स राइट देर आर सम थिंग्स विच जस्ट कैनॉट बी बट दे आर तो ये सही है कि कुछ चीज़ें वैसी नहीं होती हैं जैसे कि वो दिखती हैं ओके सो चिल्ड्रन गो थ्रू दिस चैप्टर वंस एंड थैंक यू चिल्ड्रन